हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा अपने नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ अपने सुझाव हमें अपने कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारे पिछले वीडियो अच्छे लगे और ये वीडियो भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा वीडियो, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि हमारा पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना क्रमांक 3 हिंदी। अभी हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है तो अब हम इसमें हिंदी की पाठ्य योजना क्रमांक 3 बनाएंगे। सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालेंगे। हमारी पाठ्य योजना क्रमांक 3 है तो हम पाठ्य योजना क्रमांक 3 डालेंगे। फिर हमको ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है तो उसमें सबसे पहले हम शिक्षिका का नाम, नामांकन, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय लिखेंगे और फिर दिनांक, दिन, समय और कालखंड, और बीचों बीच हम प्रकरण डालेंगे जो कि हमारा है विशेषण। प्रकरण को बीचों बीच लिखने का मतलब सिर्फ हाईलाइट करना होता है। आप चाहें तो यहाँ इस तरफ या इस तरफ दोनों साइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिक्षिका का नाम लिखा हुआ है क्योंकि जो कि NIS से DLED कर रहे हैं वो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका नहीं है, वह शिक्षक हैं, इसलिए यहाँ पर आप शिक्षिका का नाम लिखें। और यदि आप DLED या BEd कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट हैं, वो आप छात्र अध्यापिका का नाम या अध्यापक का नाम डालें। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम व्याकरण की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हम व्याकरण से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। यदि हम पद का बना रहे हैं तो हम पद से संबंधित लिखेंगे, गद्य का तो गद्य से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण, जो कि हिंदी के व्याकरण उपविषय के अंतर्गत आता है। तो हमारे जो सामान्य उद्देश्य है वो व्याकरण से संबंधित होंगे। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जो हमारा वीडियो पहले भी देख चुके हैं वो हर टॉपिक के हर पॉइंट से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं कि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको यहाँ स्पष्ट बता दूँ, सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट सारे पाठ्य योजना के लिए समान हो जाते हैं। यदि व्याकरण की है तो सारे समान होंगे, पद की है तो सबके जो सामान्य उद्देश्य है वो समान होंगे, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। फिर आते हैं हमारे शिक्षण सामग्री। यदि आपको हर पॉइंट के बारे में डिटेल से समझना है तो प्लीज़ हमारा प्रारूप वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रस्तुतिकरण, जब आप इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं तब आपको इससे में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। फिर आता है हमारा जो अगला पॉइंट है, सहायक सामग्री। इसमें जो भी आप कक्षा में उपयोग कर रहे हैं वो सहायक सामग्री लिखें। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमें वो लिखना होता है कि जो भी हमारा प्रकरण है उसके संबंध में बच्चे पहले से क्या जानते हैं। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तावना निकालते हैं, हम चार्ट दिखा के भी प्रस्तावना निकालते हैं। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड पर वाक्य लिख के प्रस्तावना निकाली है। प्रस्तावना की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी प्रस्तावना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा समय ले ले, क्योंकि हमको 40 मिनट में पूरी पाठ्य योजना समाप्त करनी होती है, ना ज़्यादा छोटी और ना ज़्यादा बड़ी। छोटी भी होगी तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा उनको, बच्चों को प्रकरण। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन, जो कि हमारा प्रस्तावना के बाद आता है। कि जैसे कि प्रस्तावना में हमारे अंतिम प्रश्न आया समस्यात्मक, तो हम बच्चों को बताएंगे उसके बारे में और उद्देश्य कथन द्वारा फिर हमारी प्रस्तुतिकरण की शुरुआत करेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण शुरू होता है जिसमें हम कॉलम बनाते हैं, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, शिक्षिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। यहाँ पे हमने श्यामपट्ट नहीं बनाया है क्योंकि हम श्यामपट्ट का प्रारूप लगाएंगे, क्योंकि अलग से बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि जो हम शिक्षिका व्यवहार और छात्र व्यवहार में लिख रहे हैं वही हमारा श्यामपट कार्य भी होता है। तो हमने अंत में एक ब्लैक कार्ड शीट पे इसका प्रारूप बना के लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसलिए कॉलम नहीं बनाया है। पहले हम शिक्षण बिंदु में वाक्य ले रहे हैं तो हम वाक्य लिखेंगे कि वाक्यों के माध्यम से हम प्रश्न उत्तर करके उनको समझा रहे हैं। फिर प्रश्न जो कि हमने बौद्धगम प्रश्न किए हुए हैं, जो बच्चे जानते हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया है। फिर अगला हमारा नियमीकरण, हम उनको नियम के बारे में बताएंगे कि विशेषण क्या होता है, क्या है, हम उनको उदाहरण देके समझाएंगे। और इस समय छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो हम छात्र छात्रा क्रिया में या विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। फिर हम उन्हें आगे का नियम समझाएंगे।
की विशेषण किसे कहते हैं? इस प्रकार यहाँ पे हमारी जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। फिर हम ऐसा श्याम पट का प्रारूप बनाकर लगाएंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे जो कि 2 से 3 होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर आता है हमारा कक्षा कार्य। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है गृह कार्य, जो कि हम बच्चों को घर से करके लाने के लिए जो होमवर्क देते हैं वो। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है टिप्पणी एवं सुझाव, जिसमें जो कि हमारा पर्यवेक्षक होता है वो इसमें अपनी टिप्पणी और सुझाव लिखता है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर। यहाँ पर हमारी ये पाठ योजना समाप्त होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक कमेंट द्वारा ज़रूर हमें बताइए। धन्यवाद।